नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। और आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ बेस्ट बजट लैपटॉप के बारे में। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऐसे कौन से वो पांच लैपटॉप है जिनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है इंडियन प्राइस में, और आप उसे आज के आज परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन अमेज़न इंडिया के थ्रू और अपने डेली लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ कुमार और आप देख रहे हैं आई गैजेट ज्ञान। हमारे इस एपिसोड का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, जो है या यूँ कहूँ जो सबसे पहला लैपटॉप है, वो है आपका एसुस E200HAFD0004TS। जी हाँ, और इसे हम लोगों ने चूज़ इसलिए किया है क्योंकि मेरे एक फ्रेंड हैं जो काफ़ी दिनों से इसे यूज़ कर रहे हैं, और इसलिए मैं इसे चूज़ भी किया है क्योंकि इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको ये मिलता है 2GB रैम और 32GB इनबिल्ड स्टोरेज, विंडोज 10 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, और जो इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 11.6 इंच का ये लैपटॉप है। और इसमें मिलता है आपको एटोम X5Z8300 का प्रोसेसर। तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि 32GB स्टोरेज में क्या होगा। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन अगर आप बजट की बात करें, बहुत से लोगों को लैपटॉप चाहिए होता है सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए, ठीक है, ब्राउजिंग करना होता है, उनको चैटिंग करना होता है, इसलिए चाहिए होता है, तो उनके लिए परफेक्ट। लेकिन फिर भी 32GB बहुत कम है, जहां आज के टाइम में फ़ोन में ही आपको 120 और 256GB मिल रहा है, तो लैपटॉप में कैसे काम होगा। तो दोस्तों, उसके लिए एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप एक साइड में कोई हार्ड डिस्क परचेज़ कर सकते हैं और उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, तो आप काफ़ी अपने पैसे बचा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ज़्यादा मेमोरी वाला कोई मेमोरी कार्ड है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस लैपटॉप के साथ। अदरवाइज कलर की बात करें तो इसमें आपको 2-3 कलर मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरा फेवरेट कलर है वो ये ब्लू कलर ही है। काफ़ी स्टाइलिश भी है और जो लुक है ऐसा काफ़ी प्रीमियम लुक आता है, जैसा आप फोटो में भी देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको इंटेल का प्रोसेसर मिलता है, जो एटम है वो इंटेल के साथ ही है। और इस सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, और इस जो इसकी जो प्राइस है वो आप देखेंगे तो वो है सिर्फ 14,866 रुपये। तो क्या चाहिए आपको? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मानता हूँ कि इस प्राइस में आपको शायद दूसरे लैपटॉप भी मिल सकते हैं, लेकिन इस प्राइस में आपको इससे बेहतर कोई और ब्रांड का लैपटॉप नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको उसमें 32GB ज़्यादा का मिल जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको 500 या 250 GB का अगर स्टोरेज चाहिए तो आपको ऑब्वियसली 25,000 के ऊपर या 25,000 से स्टार्ट करनी होगी रेंज में। लेकिन ये जो कि एक बजट फ्रेंडली वीडियो है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यही मिलेगा 32GB। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला लैपटॉप। और इस लैपटॉप को अगर आपको परचेज़ करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्टली आप अमेज़ॉन के इस पेज पे जा सकते हैं और अपना लैपटॉप बाय कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे लैपटॉप की तरफ। दोस्तों, हमारा जो दूसरा लैपटॉप है वो भी आपको एसुस की तरफ से ही है, और इसमें उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इस बात का है कि इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, और इसमें जो आपको इसका जो प्रोसेसर है वो आपका इंटेल सेलरॉन प्रोसेसर है, जो थोड़ा एटम्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसकी जो कीमत भी रखी गई है वो आपकी 16,035 रुपये रखी गई है। बाकी साइज़ वही है, डिस्प्ले वही है, फील वही आएगा, प्रीमियम फील आएगा इसमें आपको। आप देख सकते हैं कलर बहुत प्यारा है, लाइट वेट है, और कीमत भी सिर्फ ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 16,035 है। हाँ, और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि ये 14 इंच का लैपटॉप है, वो आपका 11.6 इंच का था, ये आपका 14 इंच का लैपटॉप है। इसमें आपको सेम 2GB रैम, 32GB स्टोरेज और विंडोज़ 10 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो ये था हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट। चलते हैं तीसरे प्रोडक्ट की तरफ, और ये आपका है सिर्फ 11.6 इंच का लैपटॉप है। ये इसमें भी आपको मिलता है इंटेल एटम Z3735F और 2GB रैम और 32GB की स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी मिलती है आपको,
और विंडोज 10 इंटीग्रेटेड है इसमें भी। और ये जो लैपटॉप का जो वेट है वो है सिर्फ 1 kg और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो है 14,100। तो ये हमारा आज के तीसरे नंबर पे है। और इसके अगर पिक्चर्स की बात की जाए तो एवरेज सा दिखता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप एसुस और इसमें कंपेयर करेंगे तो एसुस में आपको ज़्यादा प्रीमियम फील आता है जब आप उसे देखते हैं। अगर उसे आप हाथ में कैरी करके कहीं पे जा रहे हैं तो उसका जो लुक है वो आपको लेने में ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन हमने इसको रखा है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पहला था वो था आपका 14,000 का और जो दूसरा था वो आपका था 16,000 के रेंज में और ये आपका 14,100, इसलिए हमने इसे रखा है। और क्या कहते हैं, इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और इसलिए हमने इसे रखा है। अगर आप इसे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और ब्रेकलिस्ट पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। चलते हैं हमारे चौथे प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों जो हमारा चौथा लैपटॉप है वो है आपका आईबॉल का। आईबॉल ने हाल ही में एक अपना लैपटॉप लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने रखा था कॉमबुक, और ये आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है 11.6 इंच का और इसमें भी सेम वही है आपका इंटेल एटॉम 32 GB इनबिल्ट। लेकिन इसमें खास क्या है, खास दोस्तों इसका जो प्राइस पॉइंट, ये आपको 10,000 से भी कम में पड़ेगा, सिर्फ ऐसी कीमत 8,090 रुपये। जी हाँ, और ये बहुत ही लाइट वेट है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वैसे भी किसी भी लैपटॉप में आपको जो हार्ड डिस्क है वो 32 GB ज़्यादा मिल नहीं रही है, तो अगर आप एक एज अ सेकेंडरी लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और साथ में अपने किसी हार्ड डिस्क से सेकेंड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। और दिखने में ये काफ़ी बेहतर भी दिखता है, इतना बुरा नहीं है दिखने में, लुक वाइज भी अच्छा है। जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो फोटोज़ हैं, स्मॉल है, स्टडी है, अच्छा है। तो जो सबसे अच्छी बात है उसकी जो प्राइस पॉइंट है, ये आपको मिलता है सिर्फ 8,090 रुपये में। दोस्तों अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर डायरेक्टली क्लिक कीजिए और आप सीधे अमेज़ॉन इंडिया की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आखिरी लैपटॉप की तरफ दोस्तों, जो इस पूरे सीरीज़ के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा। तो देखते हैं क्या है वो लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा आखिरी और जो मेन है इस वीडियो का, Acer ES1521। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा पांचवा लैपटॉप है और इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो आपको दिख रही है 15.6 इंच। इसमें मिलता है आपको 4 GB रैम, 500 GB की स्टोरेज और विंडोज 10 के साथ मिलता है दोस्तों, और DDR3 रैम है इसमें। और आपका इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है सिर्फ 19,999 रुपये। और इस पूरे पांचों वीडियोस की सीरीज़ में ये इसलिए कीमत सबसे ज़्यादा रखी गई है क्योंकि ऑब्वियसली आपको दिख रहा है इसमें आपको 4 GB की रैम मिल रही है और 500 GB का हार्ड ड्राइव भी मिल रहा है। और अगर इसके पिक्चर्स की बात की जाए, इसके लुक की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं एवरेज है, नॉर्मल सा लैपटॉप है। 15.6 काफ़ी लोगों के लिए बड़ा सा होता है, लेकिन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और फीचर्स देखें तो कुछ बुरा नहीं है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है इन सभी पांचों लैपटॉप में से लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डेली लेके आता रहता हूँ आप सबके लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।